आपने बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के घराने में शुरू से वो संस्कार मिले। पंडित जी, जो तालीम की बात कर रहे थे, आपने उस कठिन रियाज को, उस कठिन समय को भी देखा है, 14 से 20 घंटे वाला, क्या आपको लगता है कि आज के समय में वो समर्पण, वो ठहराव, वो धैर्य नहीं है गायकी में, कहीं ना कहीं उसकी कमी? ये एक्चुअली सवाल बहुत टेढ़ा है, बहुत ज़्यादा आपने एक सवाल के अंदर सब सवाल कर दिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं सोचती, क्योंकि बापूजी खुद इस चीज़ में भी वो हमारे गुरु हैं, सोचते हैं कि अगली पीढ़ी पहले वाले से बेहतर होती है हमेशा हर काम में। तो संगीत के संगीत में भी उनकी सोच यही है। तो अब वो 14 घंटे आप कैसे बिताते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप तानपुरे के साथ एक ही कमरे में बैठ के रियाज कर रहे हैं, या बापूजी कहते हैं कि पहले तो हम गुरु के साथ 4 घंटा 5 घंटा रियाज करते थे, सब कुछ याद करना पड़ता था। अब कोई अगर गाना सीखता है तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, फिर उसके बाद आप हेडसेट में लगा के अपना फ़ोन पे भी आप सुनते सुनते रहते हैं कि रियाज में गुरुजी ने क्या सिखाया। तो आपके समर्पण के जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत बदल चुके हैं। कोई यूट्यूब पे सुनते रहता है, अगर राग मारवा कैसे है तो 50 CDs लाने की ज़रूरत नहीं है। आप राग मारवा टाइप करिए, आपको पंडित जसराज जी का भी मारवा मिलेगा, उसमें आपको उस्ताद अमीर खान साहब का भी मारवा मिलेगा। तो आपको हर चीज़ मुहैया है, और डिजिटल वर्ल्ड और जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन ऑफ डेडिकेशन इज चेंज एंड वी शुड रिकग्नाइज एंड रिस्पेक्ट दैट। शाबाश। एक और सवाल आपसे ये कि आपने इस तालीम से शुरू किया, उस कठोर रियाज से शुरू किया, फिर आप थोड़ा लोकप्रियता की ओर आई, आपकी ज़्यादातर पहचान, जैसे किसी से हम कहेंगे कि राशिद खान साहब, तो वो कहेंगे कौन राशिद, फिर वो कहेंगे कि वो आओगे जब तुम साजना जो गाया था फिल्म में, जब ऐसे हम कहेंगे दुर्गा जसराज, अरे वो सारे का मां अंताक्षरी वाली। आपको नहीं लगता कि पहचान हिंदुस्तान में अभी भी उस लोग, फिर आप उस लोकप्रियता से वापस अब पीछे से संगीत की मदद करने में, संगीत की साधना में आई हैं, आपको लगता है लोकप्रियता के लिए फिल्में और टीवी और कमर्शियल संगीत से जुड़ना थोड़ा जरूरी, ताकि पहचान उस तरीके से बने? इसका जवाब देता हूँ जी। देखिए, जो आँखों से दिखता है वो जल्दी समझ में आता है। एक हीरोइन को लता जी के गाने पर देखते हैं तो उस टाइम पर लता जी नज़र नहीं आती, वो हीरोइन नज़र आती है, बस ये जवाब है। मैंने जब टीवी किया था तो एक तो मैंने बचपन में अपने नाना जी विशांताराम जी के पिक्चरों में काम किया था, तो मेरे लिए ऐसे कोई बहुत मैंने कुछ पराक्रम किया ऐसा लगा ही नहीं, और मेरे लिए एक एक्सटेंशन था। हाँ, मैं उस वक्त ऑलरेडी ये जो अब काम कर रही हूँ, मैं जाके जी टीवी के ऑफिस में जाके बैठती थी कि भाई मुझे आधे घंटे का स्लॉट दो, मैं क्लासिकल म्यूज़िक प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग आता है, बिकॉज मैं विशांताराम की ग्रैंड डॉटर हूँ, मुझे म्यूज़िक समझ में आता है, बिकॉज आई एम पंडित जसराज डॉटर। तो ये जीन्स के ऊपर मैं मतलब सिर्फ डिपेंड करना, और क्योंकि आपके क्रिएटिव जीन्स हैं तो आपके कुछ ये जो एक लिटरली एक जेनेटिक जिसको बोलते हैं एमालगमेशन, तो ये उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंस था। तो फिर बात बन नहीं रही थी, तो फिर मैंने मुझे ऐसी सामने से इन्होंने कहा कि म्यूज़िक का ही है, कर लो अंताक्षरी, तो मैंने कर लिया। मैंने 10 सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा अगर मैं फेमस हो गई तो ये लोग मेरी बात समझेंगे, और ये 10 सेकंड में जैसे कोई एक मुझे शायद किसी ने गाइड किया हो, और मुझे मैं टेलीविज़न की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लोगों तक पहुँचाया, वरना आज आप मेरे सामने माइक लेके नहीं बैठे होते, और चाहे मैं उनकी बेटी भी होती तब भी आप उन्हीं से बात करके खुश होती। ये बात बिल्कुल 100% मुझे पता है, तो और उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आप अपनी पॉपुलैरिटी को उस दिशा में वापस ला सके कि आप जो काम करना चाहते हैं अगर उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और पॉपुलर होने के बाद कोई बुरी बात थोड़ी ना। अगर राशिद खान साहब को आप उस गाने से समझे या उनके राग पुरिया से समझे, वो उसके एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने भी मुगले आजम में गाया, तो जो लोगों को पता नहीं था उस वक्त कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब कौन है, बड़े कभी किसी ने वो गाने के लिए याद नहीं किया, पिक्चर के गाने के लिए याद नहीं किया। तो मगर उन्होंने जब गाया तो हो सकता है, साहब भी बहुत गाए मगर सिर्फ एक ही गाने के लिए उनको याद करते हैं, जिसके साथ में वो डीवी पर उसका बैजू बावरा
तो ये एक होता है कि मीडियम आपको हेल्प करता है, लेकिन आप उस मीडियम मतलब मैं अगर आज भी सिर्फ टीवी करती तो मेरी लाइफ ही अलग होती, लेकिन मुझे वो ऐसा लगा कि ये एक मुझे एक रास्ता नापना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं सिर्फ बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद करके जा नहीं जाऊँगी। प्रूफ करने का प्रेशर भी ज़्यादा होता है जब आप प्रूफ करने का प्रेशर तब होता है जब आप जो जो काम कर रहे हो उसमें खुश ना हो। अगर आप अपने काम में खुश हैं तो अपने आप निखरते जाते हो। मैं देख रहा हूँ जलसा से आप बहुत पैशनेटली जुड़ी, मैं उस पर भी सवाल पे आऊँगा। मैं सिर्फ इसलिए कि पंडित जी आपके बाबू जी के रूप में भी और पंडित जी का जो रियाज है जो आपने बचपन में देखा है जी, वो किस मैं चाहता हूँ नए लोगों के सामने जो इससे जुड़ रहे हैं वो घटनाएं पहुंची और कहीं ना कहीं ये जो हमारी बातचीत हो रही है एक दस्तावेज बने। इस तरह के महान गायक के साथ जुड़ना, उसकी गायकी के साथ जुड़ना एक बात है, लेकिन उस रियाज से, उस कठिन श्रम से उसको जानना एक दूसरी बात है। थोड़ा आप कठिन श्रम तो बहुत उन्होंने झेले हैं, लेकिन उसका कभी उन्होंने मेलोड्रामा नहीं किया कि हाय मेरे साथ ये हुआ, हाय मेरा कि उनके झेलने की शक्ति भी उनको संगीत से ही आई, क्योंकि उनको वो करना था इसलिए वो झेल पाए, वरना उन परिस्थितियों का सामना करना या बिना खाने के अगर वो, ये मैंने नहीं देखा लेकिन मेरी माँ ने हमें बताया है, क्योंकि उस दिन जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छी बात बता रहे थे आइडिया जलसा में हैदराबाद में वो शिरकत हुए कि आपका बाप कौन है ये आपको आपकी माँ बताती है। तो ये मेरी माँ ने हमें बताया कि हमारा बाप कितना बड़ा है, ये बिल्कुल उसको श्रेय जाता है कि उन्होंने मेरी माँ को भी मैं बहुत बहुत इसका श्रेय देती हूँ कि वो वी शांताराम की बेटी होते हुए जो साड़ी के साथ अपनी मैचिंग गाड़ी में बैठती थी, उन्होंने बापूजी के साथ जब साथ निभाया तो आज अगर खाना है तो कल या परसों कब खाना मिलेगा ये दोनों को पता नहीं होता था, लेकिन इस चीज़ का कभी अफसोस नहीं किया, इस चीज़ का हमें भी नहीं जताया कि हमने इतना किया तुम लोगों के लिए, ये किया वो किया ना, उन दोनों का मुझे लगता है प्रेम संगीत से था, तो वो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। बापूजी ने तब भी 14 से 18 घंटा रियाज किया है ये बताया, और खाना मिला तो बहुत खुश, ना मिला तब भी गाने में खुश। तो ये चीज़ें जो होती है वो आप किसके साथ आप ये चीज़ें शेयर करते हैं बहुत ज़रूरी है। अगर कोई उनके साथ होती, कोई वाइफ उनकी, और बोलती कि अरे तुम्हें खाना नहीं मिला है यार, छोड़ो यार क्या कर रहे, तो कहीं ना कहीं इनका भी दिमाग ख़राब होने की चांसेस होती है, या गाने में वो ऋषभ में वो खूबसूरती शायद थोड़ी कम हो जाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके गाने में वो खूबसूरती देखती रही और हमें भी बताती रही। इसकी वजह से जब वो रियाज होता था, हमारे घर में इतने सारे शागिर्द लोग रहते थे कि 24 घंटा तानपुरा चलता ही रहता था, कोई रात में पूरी रात रियाज करके सोता था तो कोई सुबह जल्दी उठ के रियाज करते थे, बापूजी का जब मन किया उठ के बैठ गए सिखाना शुरू जिसको, तो रियाज कंटिन्यू 24 घंटे चलते था, 100% चलता था। और बापूजी अगर घर पे हैं तो अगर उनकी आँख खुल गई 4 बजे और उस वक्त जो गा रहा है उनको अगर अच्छा लगा कि ये अच्छा गा रहा है या खराब, उठ के उसको सिखाना शुरू होता था। तो ये उनका जो एक फिजिकल रियाज से ज़्यादा उनका 24 आवर्स बापूजी का रियाज दिमाग में चलता है। आप आज भी सो रहे हैं तो उनके आप कभी कभी क्या अक्सर ये हाथ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ये एक्चुअली ये जो होती हैं ये मात्राएँ गिनते हैं, तो उनके दिमाग में कोई बंदिश चल रही होती है या नींद में से उठ के बताएंगे अरे मुझे नींद में ये बंदिश सूझी, या मुझे ऐसा किसी ने गा के बताया, या कोई कृष्ण भगवान आए यार ऐसा हुआ सॉरी। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो उनकी 100% इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रही होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, रियाज हो या इन्वॉल्वमेंट है या समर्पण है, इसको समझना ही बहुत मुश्किल है। ये मतलब ही इज़ नाउ द फिजिकल मेटामॉर्फोसिस ऑफ म्यूज़िक, ये लेवल एक उन्होंने अचीव किया है या अचीव कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। दुर्गा जी, ये जलसा का पूरा ख्याल कैसे आया, आगे आपको लगता है कि अलग अलग शहरों में इस तरह के आयोजन से संगीत वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ आप उसको पहुँचाना चाहती हैं? पहुँच जाएगा, बस जो काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं WIP, और
कहाँ से आया वही एक जो चीज़ मुझे लगा कि भारतीय जो संगीत है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया तक हमें एक कड़ी बना के जोड़ना है, और जो भारत की अलग अलग विधाएं हैं उनको हमें लोगों तक पहुंचाना है, प्लस जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं उनको हमें लोगों तक पहुँचाना है, साथ ही जो नए सुनकार हैं उनको हमें उन तक हमें पहुंचाना है, और ये जो तीन मेन इसके मुद्दे रहे हैं और यही काम करते रहे हैं। तो इट्स लाइक एंड जैसे मैंने कहा कि हमने सोचा था कि पहले जो भारत की पॉपुलेशन है उसके 1% तक लोगों तक पहुंचे, आज पिछले साल तक हम लोग 36 करोड़ लोगों तक पहुंचे थे, प्लस 165 कंट्रीज़ में जी इंटरनेशनल ने इसे लेकर गए हैं और 15 इंटरनेशनल एयरलाइंस पे लेके गए हैं, यूट्यूब पे है, रेडियो एफएम पे है, तो सारे मीडियम्स को लेके इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। ये बहुत सारे आपके प्रशंसक सोचते हैं कि इस सारी संगीत की सेवा के साथ आप छोटे और बड़े पर्दे पर भी दिखाई देती रहें, क्या ऐसा कोई इरादा आपका है आगे? कोई भी चीज़ मैं पार्ट टाइम नहीं करना चाहती है। जब मैंने टीवी भी किया तो यू नो जितने भी घंटे 20-20 घंटे, कभी कभी तो मैं 2-2 दिन तक सिर्फ घर पे मतलब शावर एंड आउट ऐसा होता था, तो वो एक चीज़ है कि कमिटमेंट है ना, कोई भी सब स्टैंडर्ड आप मन से ना मतलब पूरी तरीके से ना करें तो वो बहुत ही कमज़ोर कड़ी हो जाएगी, और मुझे जिस काम में इस काम में इतना आनंद आता है कि उसी से मुझे शक्ति मिलती है कि सब कुछ इतना कभी कभी स्मूथ भी नहीं हो तभी अच्छा लगता है कि ठीक है रफ पैच भी अगर आया तो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो यही करना है। हम कामना करते हैं कि आपकी आवाज़ आपका ये सुर हमारे साथ लगातार बना रहे। जय हो महाराज, जय हो कर्णिक जी आपके, जय हो।